ओम शांति आपका प्रश्न है इस जन्म की अधूरी इच्छाएं अगले जन्म में पूरी होंगी या नहीं आत्मा ही इच्छा करती है आत्मा ही एक शरीर रूपी वस्त्र को चेंज कर दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है ये शरीर एक ड्रेस है आत्मा ड्रेस चेंज करती रहती है जैसे हम रोजाना अपनी ड्रेस चेंज करते हैं इच्छाएं तो आत्मा की है आप कोई व्यक्ति कोई आत्मा इस ड्रेस में कोई इच्छा करे अगली ड्रेस में तीसरी ड्रेस में चौथी ड्रेस में जाकर इच्छा पूरी हो जाए परंतु तो कोई ऐसी इच्छा करे जो दस ड्रेस बीस ड्रेस बदलने के बाद भी इच्छा पूरी ना हो इच्छा पूरी होना या ना होना यह आत्मा के पार्ट पर निर्भर करता है सबकी सब इच्छाएं पूरी हो ये कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि हर प्रतिक्रिया के पीछे क्रिया का महत्व है अब उस आत्मा ने ऐसे कर्म किए हुए हैं जिसका फल उसे ऑटोमेटिक मिलना है परंतु तो किसी आत्मा ने कोई कर्म किए ही नहीं उसका फल उसको क्यों मिलेगा इच्छा करना तो जितनी मर्जी इच्छाएं कर लो निर्भर करता है कि जो इच्छा की है उसे प्राप्त करने के लिए जो एक्यूरेट कर्म होने चाहिए वो किए हैं क्रिया की प्रतिक्रिया मिलनी इच्छा करने से नहीं आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपको फल भी श्रेष्ठ मिलेगा आपके कर्म भ्रष्ट हैं तो आपको फल भी भ्रष्ट मिलेगा जन्म तो केवल ड्रेस चेंज करना है लाइफ तो लाइफ चलती ही रहेगी क्योंकि तो जब एक बार आत्मा परम धाम से आ गई वापिस तब तक नहीं जा सकती जब सारी आत्माएं परम धाम से ना आ जाए और सारी आत्माएं वापस एक साथ जाती है ये नहीं कि कोई आत्मा आज चली जाए कल चली जाए अब तक तो हम सोचते थे कि अकेले आए हैं अकेले जाना है परंतु अब परमात्मा ने आके समझाया परंतु जाते एक साथ हिसाब <coughs> तो को अपना पूरा करना है। और फल भी अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त करना है इच्छा के हिसाब से नहीं और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो नाइन टू वन थ्री वन जीरो सिक्स नाइन एट सिक्स पर केवल टेलीग्राम करें नाइन सिक्स फाइव जीरो सिक्स नाइन डबल टू सेवन जीरो पर केवल व्हाट्सएप करें फोन नहीं ओम